आज भारत का रिजर्व बैंक एक ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंचा है। आरबीआई ने अपने 90 इयर्स पूरे किए हैं। एक संस्थान के रूप में आरबीआई आजादी के पहले और आजादी के बाद दोनों ही कालखंड का गवाह है। आज पूरी दुनिया में आरबीआई की पहचान, उसके प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट की वजह से बनी है। मैं आप सभी को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को आरबीआई की स्थापना के 90 इयर्स की बधाई देता हूं। और इस समय जो लोग आरबीआई से जुड़े हैं उन्हें मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। आज आप जो नीतियां बनाएंगे, जो काम करेंगे, उनसे आरबीआई के अगले दशक की दिशा तय होगी। ये दशक इस संस्थान को उसके शताब्दी वर्ष तक ले जाने वाला दशक है और ये दशक विकसित भारत की संकल्प यात्रा के लिए भी उतना ही अहम है। और इसके लिए जैसा आप लोगों का मंत्र है, आरबीआई को तेज ग्रोथ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ट्रस्ट और स्टेबिलिटी पर भी उतना ही फोकस करना है। मैं आरबीआई को उसके लक्ष्यों और संकल्पों के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। आप जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी काफी हद तक मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज के कोऑर्डिनेशन पर निर्भर करती है। मुझे याद है जब 2014 में रिजर्व बैंक के 80वें वर्ष के कार्यक्रम में आया था, तब हालात एकदम अलग थे। भारत का पूरा बैंकिंग सेक्टर समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा था। एनपीए को लेकर भारत के बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी और उसके भविष्य को लेकर हर कोई आशंका से भरा हुआ था। हालात इतनी खराब थी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स देश की आर्थिक प्रगति को जरूरी गति नहीं दे पा रहे थे। हम सभी ने वहां से शुरुआत की और आज देखिए, आज भारत के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया में एक स्ट्रांग और सस्टेनेबल सिस्टम माना जा रहा है। जो बैंकिंग सिस्टम कभी डूबने की कगार पर था, वो बैंकिंग सिस्टम अब प्रॉफिट में आ गया है और क्रेडिट में रिकॉर्ड वृद्धि दिखा रहा है। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि सिर्फ 10 साल में
इतना बड़ा परिवर्तन आना आसान नहीं था। ये बदलाव इसलिए आया क्योंकि हमारी नीति, नियत और निर्णयों में स्पष्टता थी। ये बदलाव इसलिए आया क्योंकि हमारे प्रयासों में दृढ़ता थी, ईमानदारी थी। आज देश देख रहा है, जब नीयत सही होती है तो नीति सही होती है, जब नीति सही होती है तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो नतीजे सही मिलते हैं। इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहता हूं, नीयत सही तो नतीजे सही। कैसे देश का बैंकिंग सिस्टम ट्रांसफॉर्म हुआ, ये अपने आप में एक स्टडी का विषय है। हमने कोई भी सिरा ऐसा नहीं था जिसे ऐसे ही छोड़ दिया हो। हमारी सरकार ने रिकग्निशन, रिजोल्यूशन और रिकैपिटलाइजेशन की रणनीति पर काम किया। पब्लिक सेक्टर बैंक के हालात सुधारने के लिए सरकार ने करीब 3.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन किया और साथ ही गवर्नेंस संबंधी कई रिफॉर्म्स भी किए। अकेले इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की नई व्यवस्था से ही करीब 3.25 लाख करोड़ के लोन्स रिजॉल्व हुए। और एक आंकड़ा देशवासियों को जरूर जानना जरूरी है, 27,000 से ज्यादा ऐसी एप्लीकेशंस जिसमें 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अंडरलाइन डिफॉल्ट था, वो आईबीसी में एडमिशन से पहले ही रिजॉल्व हो गई। ये दिखाता है कि इस नई व्यवस्था का सामर्थ्य कितना ज्यादा है। बैंकों का जो ग्रॉस एनपीए 2018 में 11.25% के आसपास था, वो सितंबर 2023 आते आते 3% से भी कम हो गया। आज ट्विन बैलेंस शीट की समस्या अतीत का हिस्सा हो चुकी है। आज बैंक की क्रेडिट ग्रोथ 15% तक हो गई है, और मैं इन सभी उपलब्धियों में आरबीआई की सहभागीदारी और प्रयासों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है और वो बधाई के पात्र हैं। साथियों, आरबीआई जैसे संस्थान के बारे में चर्चा अक्सर फाइनेंशियल डेफिनेशन और कठिन टर्मिनोलॉजी तक ही सीमित रह जाती है। आपका कार्य जितना जटिल है उसमें यह स्वाभाविक भी है, लेकिन आप जो काम करते हैं उससे देश के सामान्य मानव का जीवन सीधे तौर पर प्रभावित होता है। बीते 10 वर्षों में हमने सेंट्रल बैंक, बैंकिंग सिस्टम और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के बीच इस कनेक्ट को हाईलाइट किया है। गरीबों का फाइनेंशियल इंक्लूजन
आज इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज देश में 52 करोड़ 52 करोड़ जनधन खाते हैं, इनमें भी 55% से ज्यादा खाते महिलाओं के नाम पर है। इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रभाव आप एग्रीकल्चर और फिशरीज जैसे सेक्टर्स में भी देख सकते हैं। आज 7 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स, फिशरमैन और पशुपालक के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं। इससे हमारी रूरल इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा पुश मिला है। कोऑपरेटिव सेक्टर को भी पिछले 10 वर्षों में बड़ा बूस्ट मिला है। सहकारिता में कोऑपरेटिव बैंक की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है और ये रिजर्व बैंक के रेगुलेशन और सुपरविजन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। यूपीआई आज एक ग्लोबली रिकग्नाइज प्लेटफॉर्म बन चुका है। इस पर हर महीने 1200 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अभी आप लोग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर भी काम कर रहे हैं, यानी पिछले 10 वर्षों में हुए ट्रांसफॉर्मेशन की एक तस्वीर ये भी है। एक दशक के भीतर ही हम पूरी तरह से एक नई बैंकिंग व्यवस्था, एक नई अर्थव्यवस्था और नए करेंसी एक्सपीरियंस में प्रवेश कर चुके हैं। और जैसा मैंने पहले कहा है, पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। साथियों, बहुत जरूरी है कि हमारे पास अगले 10 साल के लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो। हमें मिलकर अगले 10 साल में डिजिटल ट्रांजैक्शन की संभावनाओं को विस्तार देना होगा। हमें कैशलेस इकोनॉमी से आ रहे इन बदलावों पर नजर भी रखनी होगी। हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन और एम्पावरिंग एफर्ट्स को भी और बेहतर करना होगा। साथियों, इतनी बड़ी जनसंख्या की बैंकिंग नीड्स भी अलग अलग हो सकती है। कई लोग फिजिकल ब्रांच मॉडल को पसंद करते हैं, कई लोगों को डिजिटल डिलीवरी पसंद होती है। देश को ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत है जिससे ईज ऑफ डूइंग बैंकिंग बेहतर हो और सभी को उनकी जरूरत के अनुसार क्रेडिट एक्सेस मिल सके। डीपीआई के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की निरंतर मदद लेनी चाहिए। भारत की प्रगति तेज गति से हो, इंक्लूसिव हो, सस्टेनेबल हो, इसके लिए रिजर्व बैंक को लगातार कदम उठाते रहने होंगे। एक रेगुलेटर के तौर पर आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर में रूल बेस्ड डिसिप्लिन और फाइनेंशियली प्रूडेंशियल प्रैक्टिसेस को सुनिश्चित कराया है, लेकिन इसके साथ ही ये भी आवश्यक है
कि आरबीआई विभिन्न सेक्टर्स की भविष्य की जरूरतों का आकलन करते हुए अभी से तैयारी करे, बैंकों को प्रोत्साहित करे, प्रोएक्टिव कदम उठाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार आपके साथ है। आपको याद होगा 10 साल पहले डबल डिजिट की महंगाई से निपटने का रिफ्लेक्शन तब की फाइनेंशियल पॉलिसीज में नहीं दिखता था। इससे निपटने के लिए हमारी सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्फ्लेशन टारगेटिंग का अधिकार दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस मैंडेट पर बहुत अच्छे ढंग से काम भी किया। साथ ही साथ सरकार ने एक्टिव प्राइस मॉनिटरिंग और फिस्कल कंसोलिडेशन इसके भी कदम उठाए। इसलिए कोरोना संकट हो, अलग अलग देशों में युद्ध की स्थिति हो, तनाव हो, भारत में इन्फ्लेशन मॉडरेट लेवल पर ही रही। साथियों, जिस देश की प्रायोरिटी स्पष्ट हो उसे प्रोग्रेस करने से कोई नहीं रोक सकता। हमने कोरोना के दौरान फाइनेंशियल प्रूडेंस की चिंता भी की और सामान्य नागरिक के जीवन को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यही वजह है कि भारत का गरीब, भारत का मिडिल क्लास उस आपदा से उबरकर अब अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश जहां अभी तक उस झटके से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इंडियन इकोनॉमी नए रिकॉर्ड बना रही है। भारत की सफलता को आरबीआई वैश्विक स्तर पर ले जा सकता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल और ग्रोथ में एक बैलेंस बनाना किसी भी डेवलपिंग कंट्री की बहुत यूनिक जरूरत होती है। इससे निपटने के लिए कौन कौन से मॉनेटरी टूल्स हो सकते हैं, इसके बारे में सोचना बहुत आवश्यक है। आरबीआई इसके लिए एक मॉडल बनकर ग्लोबल लीडरशिप की भूमिका निभा सकता है। और ये बात मैं 10 साल के अनुभव के बाद कहता हूं, और ये बात दुनिया को निकट से जानने समझने के बाद कह रहा हूं। और इससे पूरे ग्लोबल साउथ को बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। फ्रेंड्स, अगले 10 साल के टारगेट तो तय करते हुए हमें एक बात और ध्यान रखनी है, वो है भारत के युवाओं की एस्पिरेशंस। भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। इस युवा एस्पिरेशंस को पूरा करने में आरबीआई का अहम रोल है। बीते 10 साल में सरकार की पॉलिसीज की वजह से नए नए सेक्टर्स बने हैं। इन सेक्टर्स में देश के युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं। आप देखिए, आज ग्रीन एनर्जी जैसे उभरते हुए क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है। सरकार सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सेक्टर्स को प्रमोट कर रही है। आज देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लगातार बढ़ाया गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में आज भारत एक
प्राइम प्लेयर बनकर उभरा है। हमने स्वदेशी 5G टेक्नोलॉजी पर काम किया है। डिफेंस सेक्टर हम बड़े एक्सपोर्टर की भूमिका में आ रहे हैं। एमएसएमई पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बैकबोन जैसे हैं। ऐसे सारे सेक्टर्स में अलग अलग तरीके के कर्ज की जरूरत होती है। कोरोना के समय हमने एमएसएमई सेक्टर के लिए जो क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाई, उसने इस सेक्टर को बहुत बड़ी शक्ति दी थी। रिजर्व बैंक को भी आगे आउट ऑफ द बॉक्स पॉलिसीज के बारे में सोचना होगा। और मैंने देखा है हमारे शक्तिकांत जी आउट ऑफ बॉक्स सोचने में माहिर है। और मुझे खुशी है सबसे ज्यादा तालियां इस बात पर पड़ी। विशेषकर नए सेक्टर्स में हमारे युवाओं को पर्याप्त क्रेडिट अवेलेबिलिटी मिले, ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। साथियों, 21वीं सदी में इनोवेशन का बहुत महत्व रहने वाला है। सरकार इनोवेशन पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रही है। आपने देखा है अभी अभी हमने जो इंटरिम बजट दिया, उसमें इनोवेशन के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का रिसर्च फंड भी बनाया है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर जो प्रपोजल आएंगे, जो लोग इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, हम उनके लिए कैसे प्रिपेयर हो, ये सोचना बहुत आवश्यक है। और आरबीआई को अभी से सोचना चाहिए कि वो कैसे उनकी मदद करेगा। हमें ऐसे लोग पहचानने होंगे, हमें ऐसी टीम्स बनानी होगी जो परंपरागत कारोबार हैं, जो आने वाले विषय हैं, हमें उन्हें लेकर एक्सपर्टीज डेवलप करनी चाहिए। इसी तरह स्पेस सेक्टर ओपन हो रहा है, इसमें नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो उनको क्रेडिट के लिए किस तरह का सपोर्ट चाहिए, यह हमें देखना होगा। इसी तरह भारत में एक सबसे बड़ा क्षेत्र नया पूरी ताकत के साथ आ रहा है, वो है टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ रहा है और पूरी दुनिया भारत आना चाहती है, भारत देखना चाहती है, भारत समझना चाहती है। अभी कहीं मैंने पढ़ा था, जो ये टूरिज्म के एक्सपर्ट होते हैं उनका कहा है कि आने वाले वर्षों में रिलीजियस टूरिज्म में दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटल अयोध्या बनने वाला है। हमें देखना होगा कि इस सेक्टर को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए हमारी क्या तैयारी है। जो देश में नए नए सेक्टर्स बन रहे हैं, हमें उनमें अभी से एक्सपर्टीज डेवलप करनी चाहिए और उनको हम कैसे सपोर्ट करेंगे, इस पर भी पहले से मंथन होना चाहिए। अभी 100 दिन में चुनाव में बिजी हूं, तो आपके पास भरपूर समय है, आप सोच के रखिए, क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। हम लोगों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बहुत काम किया है, डिजिटल पेमेंट पर बहुत काम किया है। इससे हमारे छोटे बिजनेस की
रेहड़ी पटरी वालों की फाइनेंशियल कैपेसिटी अब ट्रांसपेरेंटली दिखाई देने लगी है। अब इस जानकारी का उपयोग करते हुए हमें उन्हें फाइनेंशियल एम्पावर करना है। फ्रेंड्स, हमें मिलकर अगले 10 वर्षों में एक और बड़ा काम करना है। हमें भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। हमें कोशिश करनी है कि हमारी इकोनॉमी दुनिया के संकटों से कम प्रभावित हो। आज भारत ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में 15% के साथ ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बन रहा है। इन स्थितियों में ये प्रयास होना चाहिए कि हमारा रुपया पूरी दुनिया में ज्यादा एक्सेसिबल भी हो, एक्सेप्टेबल भी हो। एक और ट्रेंड जो बीते कुछ वर्षों में पूरी दुनिया में देखने को मिला है वो है बहुत ज्यादा आर्थिक विस्तार और बढ़ता हुआ कर्ज। कई देशों का प्राइवेट सेक्टर डेब्ट तो उनकी जीडीपी के 2 गुने तक पहुंच गया है। कई देशों का डेब्ट लेवल उस देश के साथ साथ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। रिजर्व बैंक को इस पर भी एक स्टडी करनी चाहिए। भारत की ग्रोथ के जितने प्रॉस्पेक्ट्स और पोटेंशियल है उसको ध्यान में रखते हुए क्रेडिट की कितनी उपलब्धता होनी चाहिए और उसको कैसे सस्टेनेबल तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए, इसे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तय किया जाना बहुत आवश्यक है। साथियों, देश के लिए जरूरी प्रोजेक्ट को फंडिंग देने के लिए हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री को उसके आगे बढ़ना भी उतना ही जरूरी होगा। और इस आवश्यकता के बीच आज कई मोर्चों पर चुनौतियां भी हैं। एआई और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों ने बैंकिंग के तरीकों बदला है, पूरा तरीका बदल गया। बढ़ती डिजिटल बैंकिंग की व्यवस्था में साइबर सिक्योरिटी की भूमिका बहुत अहम हो गई है। फिनटेक में होने वाले नए इनोवेशंस बैंकिंग के नए तरीके बनाने जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में देश के बैंकिंग सेक्टर में उसके स्ट्रक्चर में क्या बदलाव जरूरी है, इस पर हमें सोचना होगा। इसमें हमें नए फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग एंड बिजनेस मॉडल्स की आवश्यकता हो सकती है। ग्लोबल चैंपियंस की क्रेडिट जरूरतों से लेकर रेहड़ी पटरी वालों तक की जरूरत को, कटिंग एज सेक्टर से लेकर ट्रेडिशनल सेक्टर तक की जरूरतों को हम पूरा कर सके, ये विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है। विकसित भारत के बैंकिंग विजन के इस पूरे अध्ययन के लिए रिजर्व बैंक बहुत उपयुक्त संस्था है। आपके ये प्रयास 2047 के विकसित भारत के निर्माण के लिए बहुत अहम होंगे। एक बार फिर आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।